सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह से थंबनेल लगाते हैं और लर्न मोर का ऑप्शन आता है और जिससे आप यहां पे अपना नंबर वेरीफाई करते हैं, अकाउंट डिटेल वेरीफाई करते हैं, तो यहां पे जो है लिखा आता है योर मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सोल्यूशन करने वाला हूं कि आप किस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं कि जब मैं थंबनेल लगाने लगता हूं अपने वीडियो पे तो यहां पे आता है फ़ोन नंबर वेरीफाइड और नीचे लिखा आता है योर फ़ोन नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन वेरीफाइड। सो इसका सोल्यूशन करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले बैक आ जाना। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देना एंड सेटिंग को ओपन करके जो है यहाँ पे आपको एक सेटिंग खोजना है ऐप मैनेजमेंट का। अगर आपका ऐप मैनेजमेंट के भी नाम से हो सकता है और ऐप्स के भी नाम से हो सकता है। सो सिंपली देखिए, मैं यहाँ पे मेरे में एक मोर सेटिंग का ऑप्शन है तो मोर सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे जो है एक एप्लीकेशन के नाम से मेरे में है, मेरे में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है। तो सिंपली आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे आप ऐप मैनेजमेंट को ओपन कीजिएगा तो आपको क्रोम ब्राउज़र दिखेंगे, मेरा थोड़ा सा अंदर है तो मैं इसको पहले जाता हूँ, यहाँ पे ऑल पे क्लिक करता हूँ। ऑल पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे मेरा जो भी ऐप होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, लेकिन आप जैसे ऐप मैनेजमेंट को ओपन कीजिएगा तो आपको ऐप दिख जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है। सिंपली नीचे आने के बाद जहाँ पे भी आपको क्रोम ब्राउज़र दिखे आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक फोर्स स्टॉप का जो है यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है एंड जैसे आप फोर्स स्टॉप पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे देखिए एक है स्टोरेज का, आपको सिंपली उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे या तो आपको वहीं पे मिल जाएगा क्लियर चेस का, आपको क्लियर चेस और मैनेज स्पेस दोनों पे क्लिक करके यहाँ से इसका पूरे डाटा को ख़त्म कर देना एंड डाटा ख़त्म करने के बाद जो है फिर से आपको आना है और नीचे आने के बाद जो है एक और अगर आपके फ़ोन में कोई ब्राउज़र है जैसे गूगल हो गया और कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो आपको सिंपली उसको भी क्लिक करके इसी तरह कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ गूगल है तो मैं गूगल को ओपन करता हूँ, यहाँ इसको भी फोर स्टॉप कर लूँगा एंड यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करके यहाँ से क्लियर चेस और मैनेज स्पेस दोनों पर भी क्लिक कर लेगा। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो है आपको क्या करना है, फिर से आपको YouTube स्टूडियो को ओपन करना है। यूट्यूब स्टूडियो को जैसे आप ओपन कीजिएगा उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी वीडियो पे आप थंबनेल लगाना चाहते हैं आपको उस वीडियो को ओपन कर लेना है। यहाँ पेंसिल पे क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ कस्टम थंबनेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद लर्न मोर पे फिर से क्लिक कर देना है। लर्न मोर पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो है आपको यहाँ पे यहाँ देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आपको ईमेल आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी क्रिएट पे यहाँ पे देखिए क्लिक कर चुका हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ओके गो इट पे क्लिक करता हूँ। ओके गो इट पे क्लिक करने के बाद जो है ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे एक नया इंटरफेस ओपन होने वाला है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही इंटरफेस ओपन हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट इज वेरीफाइड पर आपको क्लिक करना है, जिससे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाएगा। सो इसको ओपन होने देते हैं, तब तक वीडियो में बने रहिएगा और लाइक कर दीजिए तब तक के लिए वीडियो को। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रोम ब्राउज़र का ऑप्शन आया तो मैं क्रोम ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ एंड उसके बाद जो है एक नया इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाता है। सो पहले ओपन होने देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया इंटरफेस ओपन हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली जो है मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है कि आप मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिए और आप अपना वेरीफाई पहले कीजिए। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर पहले देता हूँ अपना। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डायल कर चुका हूँ और ऊपर में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। सो मैंने सभी चीज़ यहाँ पर कर लिया और आपको जो यहाँ पर टेक्स्ट मी दी वेरीफिकेशन कोड पर आपको क्लिक करके रखना है। यहाँ पर कॉल वाले पर क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन में कॉल आएगा या इसे टेक्स्ट मी दी वेरीफिकेशन कोड पर क्लिक करके रखिएगा तो आपके मोबाइल में मैसेज जाएगा ओटीपी का। सो आपको क्या करना है, उसके बाद जो यहाँ पे गेट कोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे गेट कोड पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर पे एक एसएमएस जाएगा, सिंपली आपको वो ओटीपी जो है यहाँ पे डायल कर देना है। सो मेरे फोन में आ गया है ओटीपी, तो मैं यहाँ पे ओटीपी अपना इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना इंटर कर चुका हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो आपको भी सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है फ़ोन नंबर वेरीफाइड, कंग्रेचुलेशंस योर फ़ोन नंबर इज नाउ वेरीफाइड, मतलब आपका नंबर जो है अभी अभी वेरीफाई कर लिया गया है। सो यहाँ से देखिए वेरीफाई जब हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको बैक आ जाना है
एंड चलिए मैं पहले बैक आ जाता हूँ। एंड बैक होने के बाद जो है आपको फिर से यूट्यूब स्टूडियो को आपको खोल लेना है। सो यहाँ पे मैं YTS स्टूडियो को खोल चुका हूँ एंड यहाँ पे थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, बैक नहीं हो पाए हैं। सो सिंपली आपको पूरा बैक आ जाना है। हाँ, तो आपको बैक आने के बाद जो है फिर से आपको वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले मैं वीडियो पे आ जाता हूँ। तो वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको पेंसिल पे क्लिक करना है, फिर से पेंसिल पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे कस्टम थंबनेल पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे आपका आ जाएगा यहाँ से थंबनेल। और थंबनेल कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं इस वीडियो पे मैं ये थंबनेल लगाता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर में डन का ऑप्शन है, तो डन पे क्लिक करके उसके बाद सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करके सेव कर लेना। जैसे सेव कर लीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी देने वाले थे, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और एक छोटा सा प्यारा कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।